किसी गरीब के बच्चे को, किसी मेरिटोरियस छात्र को जो अपनी योग्यता अपनी क्षमता से आगे आना चाहता है, उसको नियुक्ति नहीं मिल पाती थी। नियुक्ति बैकडोर से होती थी, सूची जारी होती थी, अलग अलग लोगों के परिवार के अलग अलग लोगों की सूची अलग जाती थी और फिर उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता था, बाकी लोग देखते रह जाते थे। युवा आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। इस प्रक्रिया को पूरी सख्ती के साथ रोका गया। जो भी इस प्रकार की बेईमानी में लिप्त थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों ने कभी अच्छा किया ही नहीं, तो जब अच्छा होगा तो उनको बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि वे एक्सपोज हो रहे हैं और इसलिए दुष्प्रचार का भी सहारा लेते हैं। तमाम दुष्प्रचार करेंगे, तमाम प्रकार के अनुकूल प्रलाप करेंगे। उनसे ही पूछा जाना चाहिए जब उनकी सरकारें थी तब क्या कर रहे थे, क्यों नहीं भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हो पा रही थी और क्यों बार बार न्यायपालिका को इन भर्ती की प्रक्रियाओं को रोकना पड़ा था। याद करिए, हम लोग आए तो 155,000 से अधिक तो केवल पुलिस के कार्मिकों के पद खाली पड़े थे, जिनको हमने एक समय सीमा के अंदर पूरा भर दिया। वे सभी पुलिस कार्मिक आज के दिन पे फील्ड में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। 164,000 शिक्षकों की भर्ती बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में हम लोगों ने संपन्न की। क्यों नहीं भर्तियां 17 के पहले संपन्न हो गई? अधीनस्थ सेवा चयन आयोग माध्यमिक शिक्षा या माध्यमिक या उच्चतर शिक्षा चयन आयोग से जुड़े हुए, या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती बोर्ड से जुड़े हुए चयन की प्रक्रिया में जो 6.5 लाख नौजवानों को प्रदेश के अंदर नौकरी मिली, ये 2017 के पहले क्यों नहीं मिल पाई? कारण था, 2017 के पहले न सरकार की भर्ती की कोई नीति थी, न नियत अच्छी थी, भ्रष्टाचार और अनावश्यक रूप से घूसखोरी उनकी पहचान बन चुकी थी। आज उससे प्रदेश को मुक्त किया गया है, सख्ती से ऐसे तत्वों के खिलाफ लगाम कसी गई है, तो स्वाभाविक रूप से जब गिरोह का कोई व्यक्ति परेशान होगा तो गिरोह के सरगना को तो परेशान होना स्वाभाविक है, और वो परेशान होंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे, भाई आप, हमने देखा है बड़े बड़े डकैत और अपराधी जब पकड़े जाते हैं वो कभी नहीं कहता साहब मैं इसमें दोषी हूं, वो अभी अंतिम दम तक जब तक उसको प्रमाण नहीं दिखा दिया जाता है कि देखो भाई तुमने ये कृत्य किया है, कहता साहब मैंने नहीं किया है, फिर उसको फुटेज दिखाए जाते हैं, अरे देखो ये सब क्या है, कहता हाँ साहब गलती हो गई है। तो यही कहते हैं, ये वही लोग हैं जो गलती करते हैं स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन इनको इनके फुटेज दिखाने पड़ते हैं, बताने पड़ते हैं और फिर इनको एहसास कराना पड़ता है तुमने गलती की है और इसलिए प्रदेश की जनता बार बार तुम्हें ठुकरा रही है, बार बार ठोकर मार रही है। और इसीलिए मैं आज आप सबसे कहूँगा कि जिस ईमानदारी और शिष्टतापूर्ण तरीके से आपको नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ जोड़ा जा रहा है, यह नियुक्ति एक नए उत्तर प्रदेश की आधारशिला रखने की प्रक्रिया है।